आपके लैपटॉप में किसी कारणवश वायरस आ गया है या मेलवेयर आ गया है और आप उसको रिमूव करना चाहते हैं या फिर डिलीट करना चाहते हैं, तो कुछ मिनटों में आप अपने पीसी से या लैपटॉप से सभी वायरस को डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, या फिर कहते हैं कि लैपटॉप से पूरा पूरा वायरस निकाल सकते हैं बाहर। तो कैसे निकाल सकते हैं, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मैं हूँ राम के प्रजापति और आपका स्वागत करता हूँ राम जी टेक चैनल में। लैपटॉप से वायरस निकालने के लिए और सभी वायरस को डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको विंडो के सर्च बार में यहाँ पर टाइप करना है RUN रन, एंड यहाँ पर एक एप्लीकेशन ओपन होगा रन ऐप, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है क्लीन MGR, ध्यान से देखिए CLEAN क्लीन MGR एक ही में लिखा होना चाहिए। उसके बाद से ओके बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने स्क्रीन पर एक डिस्क क्लीन अप ड्राइव सिलेक्शन वाला ऑप्शन आएगा, सेलेक्ट द ड्राइव यू वांट टू क्लीन अप। ओके, तो यहाँ पर आपको जिस भी ड्राइव में वायरस है, वैसे तो मैं बता दूं आपको वायरस जो भी जाता है वो सिस्टम फाइल को करप्ट करने के लिए यानी कि सी में ही जाएगा, प्रोग्राम फाइल में ही जाएगा। तो यहीं पर प्रोग्राम फाइल कहाँ होती है, सी ड्राइव होती है, तो मैं सी ड्राइव को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर ओके बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक अलग टाइप का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपके लैपटॉप के स्क्रीन में, और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए हमें वायरस निकालना है, तो हमें सभी जो है यहाँ टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स, और क्योंकि ज्यादातर वायरस आते हैं वो इंटरनेट से आते हैं। इसके अलावा यहाँ नीचे देखिए तो रिसाइकल बिन और यहाँ पर टेम्परेरी फाइल्स, ये सब कुछ दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन फाइल दिया गया है, ये सारी फाइलें को आपको सिलेक्ट कर लेना है एक बार में। और इसके बाद से यहाँ देखिए विंडो एरर रिपोर्ट एंड फीडबैक डायगोन, ये भी है 81 KB का, इसको भी सिलेक्ट कर लेना है। इन सभी को सिलेक्ट करने के बाद हमें जो है सिंपली ओके बटन पे क्लिक करना है। और देखिए यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस यू गेन, मतलब यदि आप ये सब यहाँ से डिलीट करते हैं तो 128 MB का स्पेस भी आपको आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में मिल जाएगा। ओके, तो हम यहाँ से ओके बटन पे क्लिक करेंगे। आर यू श्योर टू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल, तो यस डिलीट फाइल पे क्लिक कीजिए। और यहाँ पर ये दोस्तों देखिए यहाँ पर क्लीन होना शुरू हो गया, और ये पूरे फाइल को क्लीन होने के बाद आपके लैपटॉप से वायरस भी डिलीट हो जाएगी और सभी वायरस डिलीट हो जाएंगे। जब ये प्रोसेस आपके स्क्रीन से खत्म हो जाए यानी कि ये जो डिस्क क्लीनअप वाला जो ऑप्शन है वो हट जाए, तो फिर से आप यहाँ पर जाइए और टाइप कीजिए रन ऐप को ओपन कीजिए फिर से, और यहाँ पर टाइप कीजिए TMP एंड फिर से यहाँ पर ओके बटन पे क्लिक कीजिए। और यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर TMP में आगे पीछे हमें एम्परसेंट लगाना होगा, तो हम यहाँ पर लगा देते हैं प्रतिशत का चिन्ह एंड इसके बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर काफी सारे देखिए यहाँ पर फाइल्स बनकर आ चुकी है, और यहाँ पर हम इसको Ctrl+R अपने कीबोर्ड से सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद से राइट बटन क्लिक करके डिलीट पर क्लिक कीजिए। और सभी फाइल को, कुछ फाइलें होंगी जो डिलीट नहीं होंगी तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, बाकी सभी फाइलों को आप जो है डिलीट कर दीजिए, जो फाइलें डिलीट नहीं हो रही हैं उसको स्किप कर दीजिए। ठीक है, ऐसे कर करके आप यहां से सभी फाइलों को डिलीट कर दीजिए और उसके बाद से आपके लैपटॉप से वायरस खत्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो ये सब तरीका है जिससे आप यह सब कुछ कर सकते हैं। इसके बाद फिर से एक बार जाइए और एक बार फिर से रन ऐप पर क्लिक कीजिए एंड फिर से एक बार TMP पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पे फिर से यहाँ पर M% यहाँ पर परसेंट का चिन्ह लगाएंगे एंड फिर से ओके क्लिक करेंगे और देखेंगे यहाँ पे कुछ फाइलें हैं, फिर से ऑल पे सेलेक्ट करेंगे एंड डिलीट बटन का प्रेस करेंगे डिलीट बटन। एंड यहाँ पर ये जो दिखा रहा है यहाँ पर देखिए यूनिट टू प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन टू डिलीट फोल्डर, तो यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए और जो फाइलें डिलीट हो रही है फिर से आप उसको डिलीट करिए और जो नहीं हो रही है उसको छोड़ दीजिए। इसके बाद से आपके लैपटॉप से सभी वायरस डिलीट हो जाएंगे और आपका कंप्यूटर या लैपटॉप वायरस फ्री हो जाएगा।